अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे और लाखों करोड़ों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। व्लॉग का आगाज़ करने से पहले जिन मेरे भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल फियाज़ भाई को सब्सक्राइब नहीं किया, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फियाज़ भाई यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। तो हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, नानी जी आई हुई हैं और मेरे कज़न भी आए हुए हैं, तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए आज खाना बनाना है, तो वो भी बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा। प्याज भाई गए आ अड्डे ते गोश्त लैन, ते मैं लसन गंडा तैयार कर लिया वा, लसन छेलिया, लस प्याज भी कट लिया, इन्हां नूं अच्छी तरह धो लिया आ। ते हुण मैं कट लैंदी आ हरियां मिर्चां ते नाले टमाटर, ते फिर मैं हांडी रखदी आ। मेहमान आए हुए अज, उन्हां वास्ते सालन बनाउंदे आ, खाना बनाउंदी आ। काफ़ी रौनक लगी हुई है अज साडे घर, मेरी बीबी जी हमें भी आए आ साडे कोल कुछ दिन रहन। मेरा गला खराब था तो मेडिसिन लेके आया हूँ। लसन प्याज में उबलना रखिया ही है, नाल नाल मैं क्या गोश्त में भी अच्छी तरह धो लैनी हाँ।
तो अब कुछ बहन भाई यहाँ ये कमेंट्स करेंगे, मुझे पता है कि नानी जी अकेली खाना खा रही थी, तो बात कुछ यूँ थी कि भाभी जी और अम्मी जी खाना बना रही थी, बाकी अबू जी और भाई जो हैं वो कुछ काम से गए हुए थे इधर अड्डा करीब है वहाँ। तो नानी जी दिन दिन में खाना खा लेती है, रात मतलब ज़्यादा नहीं होने देती है, वहाँ भी मामू लोगों के पास भी दिन दिन में खाना खा लेती है सूरज गुरूब होने से पहले, तो यहाँ भी हमने पहले दे दिया था। जैसे ही वो खाना एक रोटी बनी थी, नानी जी ने कहा कि सबसे पहले मुझे दे दें, मुझे अंधेरे में मतलब नज़र ज़्यादा नहीं आता, तो नानी जी कह रही थी कि फिर मुझे मुश्किल होती है, तो इस वजह से जल्दी नानी को खाना दे दिया था, उसके बाद फिर हमने बाद में खाना खाया था। नानी जी आई थी कुछ दिन रहने के लिए हमारे पास, लेकिन नानी जी को किसी मजबूरी के तहत घर वापस जाना पड़ गया है, तो एक ही रात हमारे पास नहीं है, फौरन नानी जी वापस चली गई हैं। मम्मी जी, नानी जी होना ने रहना सीगा ते हुण चले गए, तो ओ वड़ा ते फिर दिल बड़ा उदास होया होना। और बतरे दबका जिया तो लगता है, मैं कहती चल एक हफ्ता कर लवे। हाँ जी, नानी जी कहते रहे सी कि मैं हुण रहना हाँ वा फिर दो वो तो तीन शादी हफ्ते। का मसला जहा बन गया ना, कल हाँ जाना जी, कहने तो जाना तो कोई नहीं सी, कहती मैं हफ्ता हफ्ता रह के जाना है, हुण बहुत दिल तो तेरा उदास है, मैं कहती चल एक दिन हफ्ता हफ्ता रह लवे सक दोहां धीआं को, एक दिन सही अगर दिन रह लवे चल जारी के दिल खुदरे हो जाता है, फिर इन्नी देर बाद हुण आई सी, हुण भी हाँ। मजबूरी जी बन गई ता गई है, कहती फिर देखा सुनांगे हम, कहीं मैं क्या जान सी मुड़ के करे आखना कि नहीं आखना, क्योंकि नानी जी ने नजर भी नहीं ना नजर ना भी नहीं ना आंदा। आता, तो कहीं मैं कैसे मुड़ के करे जिंदगी जा आखना कि नहीं आखना, चल हम फिर आंदी है, सही तो ताद करके वो तो जाना पै गया, नहीं तो जाना तो नहीं सा, हजे तो दिल भी धक्का जहा तो लगता भी जल्दी जाना पै गया, हाँ जी बिल्कुल जी। चलो कोई नहीं, तुसी रिया हो जाके मिली आयो। नहीं जाना मैं कहते मैं जाऊंगी तो तेरे बुबे ने तू आप फिर आंदा अड्डा सर्दी है। तो पहले पहले ना एक बार हाँ चक्कर लायो। हाँ नहीं फिर धुंधा धुंधा पैन लग गई, फिर कितने जाना हूँ ही जाऊंगी कदम, तो हाँ जी जाना है मैं तो आप रह के आना दिहाड़ी, लास्ट में फिर हम कल शहर जावे, शहर आते भी दिहाड़ी फिर के आई तो नाले के परे फिर आवे, गए तो सीगे तुसी बस, मेरा को भी 2-3 दिन पहले। तो जाना एक बार फिर जाना है सही, मैं आप जाना सीगा, मेरी तबीयत नहीं ठीक करके मैं नहीं जा सकी। जाना एक दिन फिर मेरा तो गला नहीं, मतलब इधर लगता जो तो घुटिया होया, पत्थर गला ठीक कर दिया है, इन्नी दवाई ले इन्ना कुछ चीता, गला नहीं सही होंगे मेरा। सिरप पीता ना कोई फर्क नहीं है, अगला भी मुक गई एक चीज, वो भी पी गया 2 सीरप दी शीशियां पी गया। मैं कहने हूँ जफरे को दुकान पे आऊँ, हाँ जी, उन्होंने भी दिखाऊंगा। हाँ अभी सर्दियां आ गई हैं, तो ये वाली जो बकैन के हैं ना, इसे हम लोग बकैना का दरख्त बोलते हैं, तो ये सारे पत्ते गिरा देंगे। सबसे पहले पत्ते इनके गिरते हैं, ये देखें नीचे आप किस तरह इन्होंने गन डाल दिया है। मतलब पत्ते जब सूख जाते हैं, फिर गांधी उसे कहते हैं ना जब गिर जाते हैं, तो ये देख लें, ये वाले इनके बीज हैं, ये सर्दियों के बाद ये गिर जाएंगे इस तरह के बन के, फिर इस तरह की बकैन के उगती हैं। अभी इस नसूड़े को भी फल लगेगा, सर्दियों के बाद लगेगा इसे। ये वाला चूल्हा भाई अब्बास ने बनाया था, लेकिन बहुत बड़ा बना लिया था, इस पे देग पकाई जा सकती है, इस पे देग पकाई भी थी। मैं दो चौके आए। और कहाँ पे अगले हैं, जहाँ अच्छा, पे धर्म रला ले पूरी लत्ता मार दी सुधा पाठ होकर, वंडा मंग रही होनी है। नहीं हरा सुधा कढ़ाई बनी है ना, कहती तूड़ी चिकन रलाया, मैं कहा भुखी तो रल गई अच्छा कि तेरा अच्छा अड्डा चिकन रला आनी है, चलाक हो गई है। हाँ कहती बढ़िया तूड़ी चिकन रला ले, अभी शाम का वक़्त है, अब गंदम बड़ी बड़ी कुछ हो गई है, अब हर तरफ सरसब्ज खेत आपको नजर आएंगे। इधर बिल्कुल पुरसकून माहौल, तो चलें जी इसी के साथ हमें भी इजाज़त दें, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।